यस बच्चा लोग आ जाइए वापस से। यह है आपका अपना फेवरेट चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित कापड़िया। और मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का। चैप्टर का नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। मैंने कहा था मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, राइट। इसका पहला वीडियो आ गया था, आज मैं इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ पार्ट वन कंप्लीट करो, देन कम टू पार्ट टू, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है सर। जब तक पार्ट वन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पार्ट टू अच्छे से समझ में आना नहीं है। बट अगर यस आपका पार्ट वन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन वेलकम। आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये है मेरा सेकेंड पार्ट का वीडियो। पार्ट वन में हमने बहुत सारे कॉस्ट देखे थे, हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सब चीजें सीख ली थी। पार्ट टू में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट जो कॉस्ट में बच गया था, एंड दैट वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सुपर चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जो पूरे के पूरे कॉमर्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अगर आफ्टर 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड आप बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, आप सीए करेंगे, आप फाउंडेशन के एग्जाम्स देंगे, हर जगह ये चैप्टर का कुछ ना कुछ कंटेंट आपके पीछे आता रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो मेक श्योर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आपका कमेंट हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जड़ी बूटी की तरह काम करता है, हमें अच्छी सी एनर्जी देता है कि हम वापस आए आपके लिए अच्छा सा कॉन्टेंट डेवलप करें। डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज कोई नए बच्चे हमारे पास आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, उनके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, सर प्लीज ये पढ़ाइए, सर प्लीज वो पढ़ाइए, सर कितने सारे बच्चों ने तो मुझे क्वेश्चन भेजना चालू कर दिया, सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 100% मैं हर किसी को रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, देन टू माई एवरेज स्कोर इज 80%, राइट। 80% बच्चों को मैं जवाब देता हूँ। यस, अगर आप भी मुझसे पर्सनल में आना चाहे, पर्सनली बात करना चाहे, यू कैन कम टू माई इंस्टाग्राम पेज, राइट। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे आप आ जाइए, मोहित सर, MOHITSIRR, राइट। आप मोहित सर करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल होगा, आप आ जाइए। अगर आप शेपर्स एडुकेशन के बाकी वीडियोस के बारे में अपडेट चाहते हैं तो आप शेपर्स एडुकेशन के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम चालू करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट के साथ में, और हमारा सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले एक छोटे से टॉपिक के साथ में, और टॉपिक का नाम रहने वाला है मार्जिनल कॉस्ट। चलिए, आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीन पूरा परफेक्ट रहेगा, मैं स्टार्ट करूंगा मेरा जॉब। अब ये बेसिक मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। ध्यान रखना, पूरे इकोनॉमिक्स में द वर्ड मार्जिनल मींस एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या रहने वाला है, द वर्ड मार्जिनल मींस एडिशनल। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, राइट। सो एडिशनल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल कमोडिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, राइट। सो मार्जिनल कॉस्ट को हम डिनोट करने वाले हैं MC, राइट। इसमें हम मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट करेंगे। निकालना बहुत सिंपल है, अगर आपको स्केड्यूल दे रखा है जहां पे आपको आउटपुट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है, प्रोड्यूसिंग वन यूनिट कॉस्ट इज 9 रुपीज, देन 16, देन 21, 28, 40, 54 एंड 70। तो आप इजिली मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन, मतलब करंट माइनस प्रीसीडिंग यूनिट को करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 16 माइनस 9 तो मार्जिनल कॉस्ट 7, 21 माइनस 16 इट्स 5, 28 माइनस 21 इट्स 7, 40 माइनस 28 इट्स 12 एंड सो ऑन, राइट। सो करंट में से प्रीसीडिंग को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मार्जिनल कॉस्ट मिलता रहता है। बट सॉरी टू से, आपकी किताब ने आपको पूरा ज्ञान नहीं दिया है, वो तो अच्छी बात है। यहाँ पे यूनिट्स में डिफरेंस 1-1 का है, अगर यही डिफरेंस 10-10 का होता तो हमारा ये फॉर्मूला पिट जाता, राइट। अगर ये 10, 20, 30, 40 होता तो ये फॉर्मूला काम नहीं आता, आपको मार्जिनल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला डालना पड़ता, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, राइट। सो दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है, फिर भी आप चाहो तो अपनी टेक्सट बुक वाला फॉर्मूला फॉलो करिए, कोई मनाही नहीं है, कोई भी मनाही नहीं, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला लिमिटेड है, राइट। चलिए, इसके साथ आपको मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाना है। बच्चा लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ग्राफ के कुछ बेसिक रूल्स है, आप एक्सिस का नाम देना ना भूले,
आप दोनों तरफ क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, आउटपुट यूनिट्स में है, एवरेज कॉस्ट रुपीज में है, ये लिखना ना भूले। आप ग्राफ को किसी भी तरह से नाम देना, लेबल करना ना भूले। जो भी ग्राफ आप बना रहे हैं बहुत नीटली बनाई है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आप पुट ऑन करें मेक इट वेरी वेरी नीट। यहाँ पे लिखना ना बोले ये क्या चीज का कर्व, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर आप अपने ग्राफ को बहुत बहुत अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि ये ग्राफ, ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, राइट? सो ये एक मेरा कॉस्ट में आखिरी टॉपिक रह गया था। सो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूटी में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ दिस बुक, जब कभी भी पेपर का थोड़ा सा अच्छा लेवल बनाना चाहेगा ना एग्जामिनर, वो ये क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। प्लीज ध्यान देना, वो 100% ही क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने मार्क का है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है तो सीधा जाके 3 पॉइंट लिख देना, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। बट ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है तो प्लीज ग्राफ ड्रॉ करके आगे समझाना। और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का है तो स्केड्यूल भी ड्रॉ करोगे, ग्राफ भी ड्रॉ करोगे, एक्सप्लेनेशन भी दोगे। सो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बताने के लिए कि एग्जाम में आंसर को अपियर कैसे करना है, राइट? सो मैं आपको 5 मार्क के हिसाब से समझाऊंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। चलिए पहले स्केड्यूल से समझते हैं। हमें आउटपुट और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर इज इट नेसेसरी टू मग अप द स्केड्यूल, हम सेम अमाउंट याद करें। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बट द फ्लो इज इंपॉर्टेंट। फ्लो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा जल्दी गिरता है, ज्यादा जल्दी उठता है, एवरेज कॉस्ट स्लोली गिरता है, स्लोली उठता है। अगर आपने बराबर तरीके से टोटल कॉस्ट के अमाउंट नहीं लिखी तो आपका ये फ्लो मिस हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, आई एम स्टिल सेइंग दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, मग अप द स्केड्यूल। इट इज अ रिकमेंडेशन, मग अप द स्केड्यूल, स्केड्यूल को याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सोच के फ्लो को सेट करके आंसर्स लिखोगे, सर पेपर छूट जाएगा, राइट? सो मेक श्योर रट डालो, और रटने में जोर नहीं पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट आता है सर, कॉन्सेप्ट आने के बाद में हम अगर कोई चीज को रट रहे हैं, द मोटिव इज टू सेव टाइम। सो रटना कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, और ये रटना बहुत ईजी है। आप 2 बार ड्रॉ करोगे स्केड्यूल कर्व, आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा, न चाहते हुए भी याद हो जाएगा, दैट्स अ प्रॉमिस, राइट? तो चलिए हमने टोटल कॉस्ट और आउटपुट लिखा, अब हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, टोटल कॉस्ट अपॉन डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो पहले का आया 20, 17, 15, 15, 17, 19, 21, देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो? पहले 20 से 15 पे आया, फिर 15 से 21 पे गया, स्लोली गिरा, स्लोली बढ़ा। अब आप मार्जिनल का देखो, 15 से सीधा 10 पे आया, एक साथ में 5 से गिरा, अब सीधा बढ़ रहा है, 5 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, 5 से बढ़ा, 5 से बढ़ा, मतलब गिरता भी फास्ट है, बढ़ता भी फास्ट है, जबकि एवरेज कॉस्ट गिरता भी स्लो है, बढ़ता भी स्लो है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, हम डायग्राम को देखते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट एक मैग्नेटिक कर्व होता है। मार्जिनल कॉस्ट अगर गिरेगा तो वो खींच के एवरेज कॉस्ट को भी नीचे गिराएगा, और जब वो बढ़ने लगेगा तो वो खींच के एवरेज कॉस्ट को भी बढ़ाने लग जाता है। और हमेशा 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 मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। सर चेक करो, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है 15 पे, तो मार्जिनल कॉस्ट 100% एवरेज कॉस्ट को उस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। मतलब यस, वो उसे वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, 15 पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट? सो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्लाइन हो रहा है, एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, बट मैंने कहा था एवरेज कॉस्ट स्लोली गिर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट धमाधम गिर रहा है, फिर मार्जिनल कॉस्ट फटाफट बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट को एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, वहां इंटरसेक्ट किया और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा वो एवरेज कॉस्ट को खींच के अपने साथ लेके आएगा और एवरेज कॉस्ट को भी स्लोली बढ़ाना चालू कर देता है, राइट? सो दिस इज बेसिक एनालिसिस। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप 3 फैक्टर्स के फॉर्म में। पहला, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगा तो क्या होगा? भैया जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगा, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट रैपिडली गिरता है, एवरेज कॉस्ट स्लोली गिरता है, तो धीरे 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 जब मार्जिनल गिरेगा वो एवरेज को भी अपनी तरफ खींच के गिराने लग जाता है। दोनों इक्वल कब होते हैं? एग्जैक्टली मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, एंड उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट धमाधम धमाधम बढ़ने लग जाता है और एवरेज कॉस्ट धीरे 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 बढ़ता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन एग्जाम्स इन दीज 3 पॉइंट्स, आपको इन 3 पॉइंट्स में एग्जाम में इस आंसर को लिखना पड़ेगा। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, 100% वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, याद रहेगा बच्चा लोग आपको, वेरी सिंपल वन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे,
और ये अब अगेन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का पुराने किसी भी टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था कॉस्ट के बारे में, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है रेवेन्यू के बारे में। अगेन रेवेन्यू तीन तरह की होती है, पहला टोटल रेवेन्यू, दूसरा एवरेज रेवेन्यू और तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है कितनी प्राइस है इंटू कितनी क्वांटिटी है। अगर आपने 50 रुपए की प्राइस में 100 यूनिट्स बेचा है, मतलब आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है 5,000। आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 5,000, राइट? सो इट्स ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्राइस इंटू क्वांटिटी करके हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो जितना आपने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया उसको डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। अच्छा इधर लिखो यूनिट्स में भैया, ये रुपीज में नहीं चलेगा, राइट? टोटल कितने यूनिट आपने बेचे उससे डिवाइड कर दो। मतलब अगर मेरा सेल्स रहा था 50,000 और मेरे यूनिट्स रहे हैं 1,000, मतलब मेरा आंसर रहेगा 50 रुपया। मतलब मेरा एवरेज रेवेन्यू हर यूनिट को बेच के लगभग लगभग मैं 50 रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। एंड द लास्ट वन मार्जिनल, मैंने कहा था द वर्ड मार्जिनल मीन्स एडिशनल इन द होल इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक्स में द वर्ड मार्जिनल मीन्स एडिशनल, ठीक है? सो भैया एडिशनल रेवेन्यू कैसे करेंगे? एडिशनल रेवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जब 1,000 यूनिट था तो 50,000 था। जैसे 1,001 यूनिट हुआ तो 50,045, 50,045 हो गया। मतलब एक यूनिट बढ़ने से रेवेन्यू कितना बढ़ा उसे कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहा जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत सिंपल है, राइट? सो दीज आर द थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप दिस इज सिंपल। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट रहेगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बचेगा, इसे कहा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व अंडर टू डिफरेंट सिचुएशंस। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा तो भैया एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के कर्व्स कैसे होंगे, और वही अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा तो कर्व्स कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा। पहले समझते दोनों में फर्क क्या है। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा मतलब प्राइस हर बार कांस्टेंट रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन। एंड इन अ परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर, राइट? सो हम जो मार्केट में प्राइस चल रहा है हम उस मार्केट में अपने गुड्स भेजेंगे। आप एक कमोडिटी बेचो या पांच बेचो, आप प्राइस को चेंज करते नहीं हो। मतलब आप चाहो जितनी कमोडिटी सेल करो, मार्केट का प्राइस चेंज होता नहीं है। सो इन दैट केस अगर जो आपका प्राइस रहेगा वही आपका एवरेज रेवेन्यू है और वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी रहने वाला है। मतलब हर एडिशनल कमोडिटी आप उसी प्राइस में बेचोगे। एक कमोडिटी 5 रुपया, दो कमोडिटी 10 रुपया, तीन कमोडिटी 15 रुपया, चार कमोडिटी 20 रुपया, राइट? आपको एक लेना हो कि 50 लेना हो, प्राइस इज 5 रुपीज पर कमोडिटी। तो एवरेज भी 5 रुपया आ रहा है, एडिशनल का प्राइस भी 5 रुपया ही हो रहा है और पर यूनिट का प्राइस भी 5 रुपया ही जाने वाला है। इन शॉर्ट द प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये तीनों हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं और आपका टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। ये एंगल बाइसेक्ट होता है, एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल ये यहाँ पे फॉर्म करता है। ये कब होगा? जब हमारा मार्केट एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तब। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें ज्यादा माल बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता नहीं है। जबकि अगर हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की, सर यहाँ पे अगर आपको ज्यादा माल बेचना है तो आपको भाव कम करना पड़ेगा। मतलब अगर एक कमोडिटी बेचोगे 100 में बिक जाएगी, बट दो कमोडिटी 200 में कोई नहीं लेगा। आप बोलोगे, अगला बोलेगा दो लूंगा तो 195 में दे, तीन लूंगा तो भैया और कम। मतलब इन शॉर्ट वो हर कमोडिटी का एवरेज प्राइस कम करवाता रहेगा। एक का एवरेज प्राइस 200 है, दो का एवरेज प्राइस 195 करेगा वो, तीन का एवरेज प्राइस 190 या 185 करेगा वो। सो एज एंड व्हेन आपको ज्यादा कमोडिटी बेचना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ता है। ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका एवरेज रेवेन्यू सेल के साथ गिरता रहता है, मतलब पर कमोडिटी का प्राइस कम होता रहेगा और एडिशनल कमोडिटी का प्राइस एवरेज से भी ज्यादा कम होता है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू अंदर होता है और एवरेज रेवेन्यू बाहर होता है। ये कब होगा बच्चा? ये होगा जब आपका मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा। आपकी किताब में इसका ज्यादा डिटेलिंग नहीं है इसलिए मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके लिए खाली ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे तो आपको डायग्राम बना के उसके एक्सप्लेनेशन देना है। शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब ने इतना जोर इस पर डाला
नहीं है, बट मैं ये बात जानता हूं कि अगर एग्जाम में पेपर अच्छा बनाना होगा देन दिस टॉपिक कैन बी इन योर पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, राइट? सो मेक श्योर आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। इकोनॉमिक्स हमारे लिए प्यार है सर, इकोनॉमिक्स इज लव, राइट? सो इकोनॉमिक्स पूरा कोने कोने तक हमें आना चाहिए। चलिए, सो इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ा था वो हमने आज पूरा कर दिया है। अब हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, जो हमारा चैप्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू वो फिनिश हो चुका है। अगला वीडियो मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का लेके आऊंगा, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो मतलब आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, तो 100% से कमेंट कीजिएगा कितना मजा आया, थोड़ा मजा आया, ज्यादा मजा आया या बहुत ज्यादा मजा आया, राइट? सो जरूर से बताइएगा, आपके कमेंट्स बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं मुझे अगला वीडियो लाने के लिए, राइट? तो चलिए बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही रखेंगे, वापस से मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।